नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण, भविष्य की कल्पना करते समय शुभ और अशुभ दोनों ही विकल्प सामने है। यह अपने ही इच्छा पर निर्भर है कि शुभ सोचा जाए अथवा अशुभ। शुभ को छोड़कर कोई व्यक्ति अशुभ कल्पनाएं करता है तो उसमें किसी और का दोष नहीं है, दोषी है तो वह स्वयं है। इसलिए कि उससे शुभ चिंतन का विकल्प सामने रहते हुए भी अशुभ चिंतन को ही अपनाया। निर्भरता कोई स्थिति नहीं है, बल्कि यह आलस्य और अकर्मण्यता की ही परिगति है। यही कारण है कि निर्भरता चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक मनुष्य किसी भी दृष्टि से निर्भर हो तो उसे संबंधित क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रयत्न का विपरीत परिणाम भुगलना पड़ता है। बेईमानी और चालाकी से अर्जित किए गए वैभव का लोभ और दबदबा बालों की दीवार ही होता है, जो थोड़ी सी हवा बहने पर जाता है तथा यह भी वह प्रतिष्ठा दिखाया चलाया मात्र होती है, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि करने के उद्देश्य के कतिपय लोग उन्हें मुंह पर उनकी प्रशंसा अवश्य कर देते हैं, परंतु हृदय में उनके भी आदर भाव नहीं होता। किसी को यदि परोपकार द्वारा सुखी करते हैं और किसी को अपने क्रोध का लक्ष्य बताते हैं तो एक ओर का पुण्य दूसरा ओर के पाप से गुण होकर शून्य रह जाएगा। गुण कर्म स्वभाव तीनों का सामंजस्य एवं अनुरूपता की यह विशेषता है, जो जीवन जीने की कला में सहायक होती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव। मन और मुंह को एक करके भावों को जीवन में कार्यान्वित करना होगा। इसी को श्री राम कृष्ण कहा करते थे, भाव के घर में किसी प्रकार की चोरी न होने पाए। सब विषयों में व्यवहारिक बनना होगा। लोगों या समाज की बातों पर ध्यान न देकर वे एकाग्र मन से अपना कार्य करते रहेंगे। क्या तूने नहीं सुना, कभी दास के दोए में है, हाथी चले बाजार में, कुत्ता भोंके हजार साधुन को, दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार, ऐसा ही चलना है। दुनिया के लोग की बातों पर ध्यान नहीं देना होगा, उसकी भली बुरी बातों को सुनने से जीवन भर कोई किसी प्रकार का महत् कार्य नहीं कर सकता। संन्यास का अर्थ है मृत्यु के प्रति प्रेम। सांसारिक कोई जीवन से प्रेम करते है, परंतु सन्यासी के लिए प्रेम करने को मृत्यु है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आत्महत्या कर ले। आत्महत्या करने वालों को तो कभी मृत्यु प्यारी नहीं होती है। सन्यासी का धर्म है समस्त संसार के हित के लिए निरंतर आत्मत्याग करते हुए धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाना। बड़े बड़े दिग्दंगों या जाएगा छोटे मोटे की बात ही क्या है। तुम लोग कमर कसकर कार्य में जुट जाओ, जुकार मात्र से हम दुनिया को पलट देंगे। अभी तो केवल मात्र प्रारंभ ही है। किसी के साथ विवाद न करे, हिल मिलकर अग्रसर हो। यह दुनिया भयानक है, किसी पर विश्वास नहीं है, डरने का कोई कारण नहीं है। माँ मेरे साथ है, इस बार ऐसा कार्य होगे ही तुम चकित हो जाओगे। वह किस बात का, किसका भाई, ब्रज वैसा हृदय बनाकर कार्य में जुट जाओ, वीरता से आगे बढ़ो। एक दिन या एक साल में सिद्ध की आशा न रखो, उच्चतम आदर्श पर डट रहो, स्थिर रहो, स्वार्थ परायणता और इच्छा से बचो, आज्ञा पालन करो। सत्य मनुष्य जाति और अपने देश के पक्ष पर सदा
के लिए अटल रहो और तुम संसार को हिला दो। याद रखो, व्यक्ति और उनका जीवन ही शक्ति का स्रोत है, जिसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं। जय गुरुदेव। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।